2036 का ओलंपिक भारत होस्ट कर सकता है। यस, आपने सही सुना। रिसेंटली मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी की एक बैठक हुई मुंबई में, जो कि 40 सालों के बाद भारत में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 2036 के बिडिंग के लिए भारत तैयार है और हम सीरियस भी। उसके पहले यूथ ओलंपिक 2029 में होने वाला है, भारत उसको होस्ट करने के लिए ईगर है मोस्ट, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, लॉजिस्टिक का काम होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को भी देखना होगा, क्योंकि ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। चूंकि सक्सेसफुली हमने रिसेंटली में G20 होस्ट किया है 6-8 शहरों में भारत, वहाँ का पोटेंशियल और रिसेंट परफॉर्मेंस आपने देखा, IPL का नाम आपने सुना है, BCCI उसको कितने अच्छे तरीके से होस्ट करता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ सोने पे सुहागा क्या हुआ कि लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया। आपको एशियन गेम्स का परफॉर्मेंस पता है, 2020 के ओलंपिक का परफॉर्मेंस पता है, नीरज चोपड़ा जी का नाम पता है आपको, खेलो इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार लेके आई वो भी इसमें मील का पत्थर साबित होते हैं। अगर भारत होस्ट करता है तो कौन सा शहर सबसे आगे दौड़ में जो होस्ट करने के लिए लायक है, तो अहमदाबाद इज एट द टॉप। 600 एकड़ का लैंड भी अलॉट हो चुका है, गुजरात ओलंपिक प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट भी हो चुका है। 2024 को पेरिस में, 2028 का लॉस एंजलिस में, 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक अगर होता है, वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स आएगी और 2036 के लिए भारत तैयार तो ज़रूर हो जाएगा। मैक्सिको, पोलैंड, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज इस दौड़ में है कि वो होस्ट करे 2036 का ओलंपिक। यू नो आई एम ईगर टू वेट कि भारत बीट करे और जीते और ओलंपिक भारत के सरजमीं पर आए।